आज बनाएंगे मूंगफली की इतनी जबरदस्त और यूनिक रेसिपी जो आज से पहले आपने शायद कभी भी नहीं बनाई होगी, और मैं गारंटी लेता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होने वाली है। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे ये रेसिपी तो आप उंगलियाँ चाटते नहीं थकेंगे। दोस्तों, इसके लिए लगभग हमें पौना से एक कटोरी मूंगफली ले लेना है। ये कच्ची मूंगफली है दोस्तों, और इसको हमने फटाफट एक पैन में भून लेना है, यानी कि हल्का सा रोस्ट कर लेना है। हमें एक पैन में सिर्फ इतना ही रोस्ट करना है कि इसका छिलका हमारा आसानी से उतर जाए, क्योंकि इस रेसिपी में मूंगफली के छिलके का कोई भी काम नहीं। तो हमने फटाफट से इसके छिलके उतर जाएं इतना इसको भून लेना है। लगभग 2 से 3 मिनट में आप देखोगे कि कैसे मूंगफली का छिलका क्रंची होता नज़र आएगा, थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर का होता नज़र आएगा, क्योंकि वो भून चुका होगा। और बस तभी तक भूनने के बाद हमें झटपट अपने गैस को बंद कर लेना है। तो लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और मैंने अपने गैस को बंद करके एक ट्रे में ये भुनी हुई मूंगफली निकाल ली है। टिश्यू पेपर या फिर किसी क्लॉथ के ऊपर इसे निकाल लीजिए और थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने के बाद इसको रब कर ले, और उसके बाद आप देखेंगे कैसे इसके इजीली सारे के सारे छिलके निकल जाएंगे। जितना नेचुरली इसके छिलके निकल जाए, यानी कि 80% तक, उतना काफ़ी होगा। तो मैंने लगभग 80-90% इसके छिलके छुटवा लिए हैं, और अब मैं क्या करूँगा, एक स्पैचुला या किसी बर्तन की मदद से इसके सारे छिलके मूंगफलियों से अलग कर लेता हूँ। तो मैं इस बर्तन में फटाफट से, जो आप छलनी देख रहे हैं जो हम फ्राई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसी की मदद से आप क्या ऐसे इसको छानेंगे तो क्या होगा, जो छिलके हैं वो अलग हो जाएंगे और मूंगफली हमारे को मिल जाएगी भुनी हुई। कुछ मूंगफलियाँ नीचे गिर जाएं तो उनको आप अलग से उठा के फिर ऊपर वापस ले लें। ये देखिए, सारे छिलके निकल गए हैं और कुछ मूंगफलियाँ अगर नीचे गिर गई तो उन्हें भी हमने उठा लिया है। अब दोस्तों, जिस पैन में हमने इसे भुना था, वापस उसी पैन की तरफ चल लेते हैं। ये भुनी हुई मूंगफलियाँ तो हमें निकल चुकी हैं, मिल चुकी हैं, जिनका हमने छिलका ज़्यादातर निकाल लिया है। अब इस पैन में दोस्तों लगभग हमें आधे से पौना कटोरी दूध ले लेना है। दूध हमने एकदम फुल क्रीम गाढ़ा दूध लिया है, और उसी में अब हम ये जो भुनी हुई मूंगफलियाँ हैं इनको फटाफट से ऐड कर लेते हैं। ये सारी भुनी मूंगफलियाँ जितनी भी हमने भुनी थी, पौना कटोरी एक कटोरी के आसपास, ये सारे के सारे इसमें डाल ली हैं। ये देखिए, अब दोस्तों हमने क्या करना है, इनको तब तक भूनना है जब तक ये सारा दूध 80 से 90% सूख ना जाए। तो अभी क्या होगा, ये धीरे धीरे दूध गाढ़ा होता जाएगा, सूखता जाएगा, और इसकी मदद से जो मूंगफलियाँ हैं वो भी मुलायम और नरम होती जाएंगी। तो अभी आप देखेंगे थोड़े से ही बॉयल के बाद ये दूध कम होता जा रहा है, बस हमें उसके दूध को मैक्सिमम ख़त्म होने का इंतज़ार करना होगा। ये भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि दूध की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है और मूंगफलियों की भी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है। लगभग 3 से 5 मिनट में, आपकी गैस की आंच पे डिपेंड करता है, ये दूध आपका लगभग सूख जाएगा। ये देखिए दोस्तों, दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है, कम होना शुरू हो गया है, और दूध हमें एकदम कम से कम करना है। तो लगभग 80-90% हमने दूध सूखा लेना है, जो अभी बस ये आपके बॉयल के बाद मैं गैस कम करके दिखाता हूँ, क्योंकि दूध की झाग बहुत ज़्यादा दिख रही है और ये दूध हमारा लगभग दोस्तों सूख चुका है। तो मैं अब झटपट इस गैस को बंद कर लेता हूँ। गैस को बंद करने के बाद दोस्तों मुझे इंतज़ार करना होगा कि ये जो सारा मिश्रण है ये थोड़ा ठंडा हो जाए। तो ये गैस को मैंने करा बंद और इसके ठंडे होने का इंतज़ार करता हूँ। लगभग 5-1 मिनट के बाद दोस्तों मुझे एक मिक्सी का जार ले लेना है और ये सारा मिश्रण इसमें डाल देना है, जैसे ये थोड़ी मूंगफली ठंडी हो जाए। तो सारा का सारा मिश्रण दोस्तों मैंने इस जार में डाल के झटपट से इस जार को बंद करके पीस लेना है। तो ये सारे की सारी मूंगफलियाँ जो हैं दोस्तों वो मैंने इस जार में डाल दी हैं, देख सकते हैं। अब जार हमारा हो चुका है लगभग खाली। तो अब दोस्तों इनको झटपट ढक्कन लगा के हम एक लिक्विड पेस्ट गाढ़ा बनके तैयार होगा, वो तैयार कर लिया है हमने। और अब वापस चलते हैं उसी कढ़ाई की तरफ जिसमें हमने ये चीज़ें तैयार करी थी। अब दोस्तों, अब इसमें हम डालेंगे लगभग 1 कटोरी पानी का, और उसके बाद हल्का सा बॉयल आने के बाद लगभग 6 चम्मच चीनी के, 1, 2, 3 ऐसे आपको लगभग 6 चम्मच चीनी के डाल देने हैं। अब दोस्तों आपको हल्का सा, अगर आप चाहते हैं येलोइश कलर या फिर केसर ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा येलो कलर मैं इसमें डाल रहा हूँ, बहुत ही अच्छा कलर आता है इससे इस रेसिपी का। अब इस चीनी को आप घुलने का वेट कीजिए, और उसके बाद इसमें लगभग 1 चम्मच देसी घी ऐड कर दीजिए। हमारी चीनी घुल चुकी है तो हमने इसमें 1 चम्मच देसी घी का ऐड करा, इसको भी अच्छे से घुलने दीजिए। और उसके बाद जो अभी हमने मूंगफली और दूध का एक पेस्ट बना के तैयार करा था गाढ़ा मिक्सी के जार में, वो सारा का सारा पेस्ट इसमें डाल देते हैं। ये देखिए, आप इस सारे पेस्ट को मिक्स कर लीजिए। जैसे ही ये सारा पेस्ट अच्छे से मिक्स हो जाए, लगभग 1/2 कटोरी मैं इसमें डालूंगा मिल्क पाउडर। आप चाहें तो क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन मिल्क पाउडर से ये बहुत ही बढ़िया, आप देखेंगे ज़बरदस्त
मूंगफली की बर्फ़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो जैसे ही सारा का सारा मिक्स हो जाता है, मैंने ले ली है लगभग आधा कटोरी मिल्क पाउडर, ये देखिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि हल्के से भी लम्स ना बने। वैसे तो ईजिली घुल जाता है लेकिन लम्स ना बने इसलिए आप इसको अच्छे से चला लीजिए, ये देखिए। दोस्तों ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब देखते ही देखते ये सारी जो हम मिश्रण बना रहे हैं, ये जो हम मूंगफली की बर्फ़ी बना रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे से पकना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे डेंस यानी कि गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। बस अभी आपको इसको वेट करना है गाढ़े होने का, लगभग अभी भी 2 से 5 मिनट लगेंगे, डिपेंड करता है आपकी आँच कितनी तेज़ है और ये गाढ़ी होती चली जाएगी। आप देख रहे हैं दोस्तों ये गाढ़ी हो गई है, अब ये धीरे धीरे बर्तन को भी छोड़ना शुरू कर देगी, ये देखिए। ये इजीली अब ये गाढ़ी होती जा रही है और यह हमारी बढ़िया मूंगफली की बर्फ़ी का मिश्रण पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। बस 2-1 मिनट और मैं इसे पकाऊं और ये इस बर्तन को इजीली छोड़ती चली जाएगी, ये देखिए घी छूटने लगा है हल्का हल्का, बर्तन को छोड़ना शुरू कर दिया है इस मिश्रण ने। तो लगभग हमारे ये जो मूंगफली का मिश्रण है ये बन के तैयार हो चुका है। बस 1 मिनट और पका ले दीजिए और उसके बाद ये पूरी तरीके से इसको छोड़ने लगेगा। बस अभी जब देखाऊंगा मैं एक बर्तन में इसे डालूंगा तो कितनी इजीली डल भी जाएगा। ये दोस्तों हमारी अच्छे से मूंगफली का मिश्रण पक के तैयार हो चुका है। मैंने अपने अब गैस को बंद कर दिया है और बंद गैस में ही आपको इसको ऐसे लगभग 1 से 2 मिनट चलाते रहना है ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँ, हल्की सी ठंडी हो जाए। आप इसको ऐसे चलाते रहिए, ये देखिए मैं इसको बंद गैस में अब चला रहा हूँ। बस अब मैं मिश्रण को फटाफट से ले कर आ जाता हूँ। मैंने एक बर्तन रखा है इसके लिए और उसमें दोस्तों उस बर्तन में मैंने हल्की सी ऑयलिंग करके छोड़ा है। ये मैंने कहा था जैसे आपको इसको घुमाते रहना है बर्तन में डालने से पहले, गैस बंद है, बस मैं इसको घुमाते जा रहा हूँ हल्का सा, लगभग आधा ही मिनट घुमाएगा। और जैसे कि मैंने बताया उस बर्तन में इसे डाल लीजिए जिसमें हमने हल्की सी ऑयलिंग करके रखा है, ये देखिए दोस्तों बढ़िया। अब दोस्तों मुझे ऑयलिंग वाले बर्तन में डालने के बाद इसको अच्छे से सेट करना होगा और सेट करने के बाद दोस्तों मुझे वेट करना होगा कि ये अच्छे से ठंडा हो जाए ताकि इसकी बर्फ़ी मैं इजीली निकाल सकूं और जा सकूं अपनी माता रानी को इसका भोग लगाने। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया, इस मूंगफली की बर्फ़ी को होने देते हैं सेट, क्योंकि ये हमारी बर्फ़ी अच्छे से बन के अब जैसे ही ठंडी हो जाएगी अच्छे से तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसे सेट कर दिया है और दोस्तों झटपट इसके बाद मैं इसके थोड़ा सा सेट होने के बाद लगभग आधे घंटे के बाद इसके पीसीस काट के निकाल लूँगा और हमारी बर्फ़ी जो है बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं ये अच्छे से सेट हो गई, इसे सेट होने देते हैं और अब देखिए दोस्तों सेट होने के बाद कितनी सुंदर लग रही है ये बर्फ़ी और कितने सुंदर सुंदर पीसीस बाहर ईजीली आपके सामने हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको रेसिपी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं फिर से लौटूंगा एक ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी के साथ। डिलीशियस फूड को अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।